फिर से आए हैं डॉलरामा से, किचन स्टार्ट हो गई है फाइनली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे इज 4th of March। यस, जस्ट द नेक्स्ट डे वी मूव्ड यस्टरडे। तो तुमने इफ यू हैव सीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट यू वुड नो कि वी जस्ट मूव्ड। इट इज़ अ मेस, सो आई थॉट आई शो यू दिस करंट सिचुएशन एंड इट इज लॉट to do. I mean, right now it is just a lot to do. You know, it's very difficult. Actually, सब कुछ खुद से हमने कल कर लिया, but बहुत सारी चीज़ें करनी हैं. And then because we were in you know, furnished apartment and then unfurnished में आए, तो there is lot of things that we have to buy. And then यहाँ पर कोई help करने के लिए नहीं है. That's the thing. Like India में we moved from one apartment to our own house a few years back, but it was very very easy because वहाँ पर बहुत सारी help होती है. जबकि आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें खुद ही की थी, बट एक मेंटली इट वॉज़ वेरी ईजी कि बिकॉज यू नो एवरीबडी इज़ देयर, वी कैन कॉल एनी वन अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो, एंड अगर हमें हेल्प चाहिए होती है कुछ भी होती है. यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है दैट यू कैन नॉट बाय बहुत सारी चीज़ें ऑल्सो बिकॉज यू डोंट नो आप यहाँ पर कब तक हो. एवरी लेबर हेल्प ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो यू डोंट वॉन्ट कि तुम किसी को क्लीनिंग के लिए बुला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ है तो उसके लिए बुला रहे हो. ये बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे ना. यहाँ पे सीलिंग लाइट्स कैनेडा में बहुत कम होती हैं, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम, लाइक बिग प्रॉब्लम. सीलिंग लाइट्स नहीं होती हैं, सिर्फ किचन में और वॉशरूम्स में है, रूम्स में, लिविंग रूम में दे डोंट ऐड सीलिंग लाइट्स. कल एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि हमें लैम्प्स चाहिए होंगे, बगैन हम फर्निश्ड में थे तो लैम्प्स थे, वहाँ पर भी सीलिंग लाइट नहीं थी. बट आई थॉट मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे लैम्प्स लेके आना है. यस्टरडे इट वाज़ सो डिफिकल्ट बिकॉज रूम्स डार्क हो गए थे आफ्टर इवनिंग. तो यस, आई हैव टू अरेंज लैम्प्स ऑल्सो नाउ. बहुत सारी चीज़ें हैं. आई गॉट टीवी और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में नहीं आया कि यार उसके लिए अमेजोन फायर स्टिक भी तो चाहिए. मैंने स्मार्ट टीवी नहीं लिया. आई गॉट द टीवी बट आई फॉरगॉट कि अमेजोन फायर स्टिक चाहिए. आई डोंट हैव इट, टीवी ऑन नहीं हो सकता, पूरा घर मेस है, किचन सेट अपनी हुई है, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. ऑब्वियसली होम टूर विल बी वंस एवरीथिंग इज सेट. कल फर्स्ट जाके जो किया है वो ये सब किया है, सारी झाड़ू पोछा और ये सब सामान लेके आए हैं बिकॉज ये सब चाहिए था. इन सब चीज़ों के लिए वी वेंट टू डॉलरामा. मतलब वहाँ पे ही सब कुछ थोड़ा ठीक ठाक मिल जाता है. सब कुछ ऐसा लगा था आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब आधी कुछ खाली है कुछ नहीं. हम दो डॉलरामा में गए और उसके बाद भी हमें काफ़ी ज़्यादा सामान नहीं मिला. आई डोंट नो यार, तो पीपल प्लीज़ कम हियर, कमेंट करके मुझे बताओ कि यार ये ऐसा ही है, डू आई हैव टू लाइक गेट यूज टू इट और इज इट समथिंग दैट आई एम नॉट रियली लाइक. सो अभी हम फिर से आए हैं डॉलरामा से. ये देख लो इतना सारा सामान, मतलब रोज़ की रोज़ ना सबसे ज़्यादा चक्कर लगता है वो डॉलरामा के लगते हैं. मतलब लाइक लिटरली हम रोज़ ये करते हैं. और बाकी कुछ मत देखना, आई विल शो अ हाउस टूर बट यस दैट्स एवरी सिंगल डे हम सब कुछ डॉलरामा का सामान लेके आ रहे होते हैं. तुम देख लो मतलब ये सब कुछ डॉलरामा का है. सो यस, शॉपिंग चल रही है रोज़ एंड थोड़ी थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं. एंड यस, खाना स्टार्ट हो गया, किचन स्टार्ट हो गई है फाइनली. हमने हलवा बना लिया, उसके बाद किचन स्टार्ट कर ली. सो यस, एटलीस्ट थोड़ा सा लाइन पे आया है. बट यस, आई विल गिव यू हाउस टूर लेटर ऑन कि सब कुछ कैसे किया अभी, क्योंकि बहुत कुछ नहीं हुआ है, पूरा भरा पड़ा है. बट यस, दैट्स द अपडेट फॉर नाउ. इट्स द डे 5 इन द हाउस. मैं अभी उठी हूँ और सारा वॉलमार्ट का सामान आ गया. तो फर्स्ट टाइम ग्रोसरी आ गई है घर में यार. इतने दिन से ना मतलब हम लोग ऐसे ही चलाते बिकॉज वहाँ पे हम लोग उसने बाय परचेज करे थे कि शिफ्टिंग करनी है और कितना इंक्रीज करे है ना. और जब से आए थे तब से खाना नहीं बन पाया था. फाइनली किचन स्टार्ट हुई है ना, ग्रोसरी भी आ गई है. सो या सेटलिंग डाउन थोड़ा थोड़ा. अभी सिर्फ लिविंग रूम सारा फिनिश हुआ है, मतलब फिनिश क्या मतलब मैनेज हुआ है. अभी भी रूम्स बचे हैं बट ठीक है, वी आर गेटिंग देयर. इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी हेल्प एट ऑल हियर. मतलब इंडिया में बहुत आसान हो जाता है यार, आप खाना ऑर्डर कर दो बहुत आसानी से. मतलब आता है, यहाँ पे भी है बट इट्स नॉट दैट. आप मंगाते भी नहीं हो इतना ज़्यादा और फिर वहाँ पे इतने फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, किसी को ही आपको इनवाइट कर लेता है, ऑफर कर देता है ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट हाँ, वी आर गेटिंग देयर. ग्रोसरी आ गई तो चलो ग्रोसरी रखते हैं. दिस इज ऑल द ग्रोसरी दैट आई हैव, लेट्स कीप इट.